नगर निगम द्वारा एक गरीब के मकान को जो है तोड़ दिया गया था, जिसके चलते अब ये कार्यवाही की जा रही है। इससे पहले भी हमने आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराया था कि किस तरह से जो नगर निगम के अधिकारी हैं उन्होंने ये जो नरेंद्र जी हैं पीड़ित हैं इनके मकान को जो है क्षतिग्रस्त कर दिया था, और उसी को लेकर अब ये हुजूम यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। अब देखते हैं कि नगर निगम इसमें कोई संज्ञान लेता है, प्रशासन इसमें कोई संज्ञान लेता है या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। चौखट और बाथरूम का लेंटर इन्होंने खोल दिया, गिरा दिया, और उसके बाद जब बहुत हल्ला सल्ला हुआ तो इन्होंने मेरे को उसी तारीख का नोटिस पकड़ा दिया 5 बजे का। और उस नोटिस में ये लिखा, कहीं ये नहीं लिखा था कि आपका मकान तोड़ा जाएगा या नहीं तोड़ा जाएगा, उसमें सिर्फ ये लिखा था कि आपने अपना प्लान स्वीकृत नहीं करवाया। मैंने बोला मैंने प्लान तो अपना 8 महीने पहले स्वीकृत करा रखा है, उसके बाद मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया। 2 दिन में नोटिस पे लिखा था कि कमिश्नर साहब के पास जाइए और अपना पक्ष रखिए। मैं 2 दिन में कमिश्नर साहब के पास गया तो मैंने कमिश्नर साहब भेजी तो उनकी जगह और बड़े अधिकारी बैठे थे। मैंने बोला जनाब मेरा मकान तोड़ दिया गया है। और क्यों तोड़ा है जी, मेरे को ये पता नहीं है। बोले आपके पास ना नक्शा नहीं बनवाया आपने। मैंने कहा जनाब नक्शा तो मैंने 8-9 महीने पहले बनवाया है। तो बोले कि आप ये जिस इंस्पेक्टर ने तोड़ा है ना उससे पूछो जाके कि क्यों तोड़ा है उससे। मैंने जी उसके जाके पूछा कि भाई मेरा मकान क्यों तोड़ा है, तो बोले कि भाई जाँच चल रही है फिर बताऊँगा। मैंने कहा जी जाँच चल रही है, आप और भी आए और मेरे को बताओ कि सही किसने तोड़ा है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हमने बड़े आयुक्त साहब को 2 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, 2-3 बार, और 2-3 बार उपायुक्त साहब को दे दी है, गृह मंत्री साहब को दे दी है, और हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। और फिर इन्होंने एक दोबारा नोटिस और चिपका दिया, फिर काम बंद कर, फिर मेरे को इन्होंने 15 तारीख को बुलाया और आश्वासन दिया इंस्पेक्टर सन्नी देव ने कि भाई आप बना लो अपना मकान। फिर हमने अपना मकान शुरू कर दिया बनाना, फिर ये आगे कि भाई काम को बंद कर दो, और ये जीना वीना है सीढ़ी है निकाली है जो आपने 1 फुट की ये टूटेगी ये सब तोड़नी है, तो वो जीना वीना सब तोड़वा दिया उन्होंने मेरा और काम फिर बंद करवा दिया। अब जो नोटिस में मेरे से ये मांगा गया था कि आप रिवाइज प्लान लगाइए अपना मौके का, अब हम रिवाइज प्लान लेके जाते हैं तो कमिश्नर साहब कहता है कि इंस्पेक्टर को दे, और इंस्पेक्टर कहता है कि कमिश्नर साहब से दे, कमिश्नर साहब और इंस्पेक्टर साहब आपस में मेरे को 4 दिन से चक्री कटा रहे हैं। अब उसने मेरे को स्पष्ट मना कर दिया कि मैं तेरा मैं रिवाइज प्लान लेऊंगा नहीं और तेरा ना मकान बनन दूं। इंस्पेक्टर बोलता है ये कि ना मैं रिवाइज प्लान लूंगा और ना मैं तेरा नक्शा बनन दूंगा। मैंने बोला कि भाई तूने भी मेरे से नोटिस में मांग रखा है रिवाइज प्लान और मैं नोटिस का दे रहा हूं तुम्हें, तो मेरे को मेरी क्या गलती है। तो अब जी अब किसी से और मीडिया से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि मेरे को जी मेरा को न्याय मिले और दोषियों के प्रति कार्रवाई हो, और निगम के अधिकारी कोई भी इस काम की जिम्मेवारी नहीं लेता अपने ऊपर कि भाई मेरे नोटिस थे मैंने तोड़वाया मकान, कोई जिम्मेवारी नहीं लेता। हमने 2 बार निगम आयुक्त को भी एप्लीकेशन लगा के पूछा है कि भाई इन अधिकारियों के पद बता दिए जाएं हमें, तो कोई पद नहीं बताता और कोई भी जिम्मेवारी भी नहीं लेता। भाई ये बोलते हैं हमारी टीम थी, बस टीम बताते हैं और ये नहीं बोलते कि इंस्पेक्टर के ऑर्डर हैं या ATP के ऑर्डर हैं या कमिश्नर के ऑर्डर हैं। ऑर्डर किसी का नहीं है, ऑर्डर कोई जिम्मेवारी नहीं लेता अपने ऊपर। तो अब हम जाएँ तो जाएँ कहाँ।